हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सना व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। और आज है संडे है आज, और टाइम हो रहा है शाम के 6:15 बज रहे हैं अभी। अभी थोड़ी देर पहले मतलब 5:30 बजे के आसपास मैं सोकर उठी थी। मैं सो गई थी, पता नहीं आज अब मुझे ज़्यादा नींद आती है दिन में, क्योंकि काम नहीं रहता तो फिर वही है कि चलो लेट जाओ। और वीडियो मैंने कोई बनाई नहीं थी, सो ऐसी मैंने कुछ अपनी किचन अभी रखी हुई है टेम्परेरली आप बोल सकते हो। और सामने एक वो टोकरी थी, हाँ वो टोकरी थी, उसमें मैंने आलू प्याज रख दिए हैं और इनका फॉइल पेपर पड़ा हुआ है। ये कुछ बर्तन कुछ ऊपर लगा दिए हैं और कढ़ाई मैंने ऊपर इसके ऊपर लगा दिया ऐसे ही। तो ऐसे ही कुछ ये ऐसे ही सेट है फिलहाल, अभी देखते हैं क्या करें। तो अभी के लिए तो बस इतनी ही आपको। और इधर भी मैंने बॉटल वगैरह रखी हुई है पानी की, क्योंकि अभी आरो नहीं लगा है, सो मैनेज एडजस्ट। और अभी मैं सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ खाने में, बैठ के बात करती हूँ ना आप लोगों से। और इधर मैंने ना, हाँ किचन के पास में ही इधर मैंने ये टॉवल टांग रखा है हाथ पहुँचने के लिए। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं अभी क्या बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, और ये दिक्कत मुझे कल से हो रही है, परसों से, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। क्योंकि जब हम सब रहते थे तो ये रहता, अच्छा मम्मी की पसंद की पापा की पसंद की ऐसे बना लो। और अभी क्या, हम मेरे हस्बैंड जी को आधी से ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद नहीं हैं। मतलब आप 10 सब्ज़ियाँ उनके सामने रख दो तो वो सिर्फ 2 चॉइस करेंगे, ये हाल है। तो बस यही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड सब्ज़ियाँ ही बनाऊँगी, ज़्यादातर तो ऐसा ही होगा क्योंकि उन्हें बहुत कम सब्ज़ियाँ पसंद है। तो और मैं ऐसी हूँ कि मुझे कुछ भी चलता है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये ही खानी है या ये नहीं खानी है, मैं सब खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनको पसंद है ना वो मैं सब खा लेती हूँ, बट जो मुझे पसंद है वो बिल्कुल नहीं खाते, टेस्ट भी नहीं करते हैं कि कैसी बनी है, अच्छी बनी हो तो खा लूँ, टेस्ट भी नहीं करते हैं। जैसे कि भिंडी, तोरी, घिया, बैंगन, कोई भी फली हो गई। और एक सेकेंड, हाँ सॉरी टंकी भर गई, तो मैंने दोनों नल चलाए हैं तो एकदम से ऐसे हो जाता ना कि क्या हो गया, तो टंकी भर गई थी। अभी पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको। और बताऊँ, इन दोनों फ़ोनों में बैटरी नहीं है, और चार्जर एक मेरा ख़राब हो गया और एक ही है, तो वो मेरे हस्बैंड लेके गए हैं। और इस वाले फ़ोन में भी सिर्फ और सिर्फ 18% है, कुछ भी नहीं है। और इसमें भी अभी पानी की आवाज़ आ रही होगी, तो बाद में मिलती हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है बाय। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ियाँ निकाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, घिया भी रखी हुई थी और एक गोभी भी रखी थी, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो आलू मटर बना लूँगी। मैं मटर रखी हैं तो ये मटर फिर ख़राब हो जाती है ऐसा लग रहा था मुझे, और ये लास्ट थर्सडे को लेकर आई थी। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं एक थाली और एक कटोरी लेकर मटर छीलने के लिए। पहले मैं मटर छील लूँगी, उसके बाद ही आलू काटूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी मोटी तले की कढ़ाई है और पता नहीं क्यों ये रखे रखे ऐसी काली काली हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको मैं देखूँगी कैसे इसको अच्छे से क्लीन करूँ, बट मैंने इसको बहुत साफ़ किया, ये साफ़ नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए रिफाइंड ऑयल गर्म होने के बाद जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च और मसाला। मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर ही डाला है अभी। तो तब तक मेरा मसाला पकेगा तब तक मैं यहाँ पर टमाटर काट लूँगी। तो 2 टमाटर लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के ही हैं, तो इनको भी डालकर मैं अच्छे से पका लूँगी। और 5 मिनट, देखिए 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट बाद ही मेरे टमाटर अच्छे से गल गए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं आलू डाल रही हूँ, और मैं कभी भी सब्ज़ी डालते के साथ ही मैं कभी पानी नहीं डालती हूँ, एटलीस्ट 5 मिनट्स तक इनको भूनती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने मटर भी इसमें ऐड कर दी और ये अच्छे से भून चुकी हैं, 5 मिनट हो गए हैं। और उसके बाद मैं पानी ऐड कर दूँगी। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा पानी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये खुली हुई होती है, जैसे कुकर में या पतीले में भी हम बनाएं तो वो पूरी तरीके से ढक जाती है, बट ये यहाँ पर ढकती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है। और मैंने बाद में भी पानी इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। तो इस तरीके से ही बनाती हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी, सिंपल सी।
और यहाँ जो भी अभी बर्तन रखे हुए हैं धुले थे दिन में उनको मैं अरेंज कर दूँगी, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो ज़्यादा बर्तन तो वैसे होते नहीं हैं, यही जो सब्ज़ी बनाई थी सॉरी काटा है पीटी है, बस यही सब बर्तन है, थाली भी नहीं है क्योंकि मैंने उसी में थाली को वॉश करके ही टमाटर रख दिए थे तभी, क्योंकि सब्ज़ी अभी मैंने वॉश करके रखी थी। तो बस ये दो तीन बर्तन हैं मेरे, इनको मैं क्लीन कर दूँगी, उसके बाद मेरा थोड़ा सा किचन का काम हाफ फिनिश हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी काम नहीं लगता है किचन में। तो यहाँ देखिए अब थोड़ी देर हो चुकी है, सब्ज़ी में उबाल आ गया है, तो अब मैं चेक कर रही हूँ बट ये अच्छे से पकी नहीं है तो इसको मैं ढककर पकने दूँगी। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं और हस्बैंड जी से बात हुई तो वो आएंगे थोड़ा सा लेट, मतलब 9:30 बजे की तरफ आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं मार्केट चली जाती हूँ, वैसे भी आज संडे है, यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है। पहले मैंने कैंसिल कर दिया था, पहले मैंने हाँ सोचा कि जाऊँगी, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो अभी 2 दिन की और सब्ज़ी रखी है और 1-2 दिन ऐसे ही कुछ भी बना लेंगे जैसे दाल वगैरह या कुछ भी और सब्ज़ी। बट अब हस्बैंड जी नहीं आ रहे तो मैंने सोचा चलो मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे चाची रहती है, मैंने कई बार आप लोगों को वीडियोज़ में बताया है, तो उनकी बेटियां हैं तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ सामान भी आ जाएगा, कुछ 1-2 सब्ज़ी ले आऊंगी और कुछ पसंद आया घर के लिए तो वो ले आऊंगी और कुछ नहीं। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसके लिए मेहंदी लगाई थी और जस्ट हटा दी, फिर भी मतलब इसका थोड़ा बहुत कलर आ गया। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, आटा भी मैंने लगा दिया है। किचन तो खैर गंदी होती नहीं है, 2 आदमी में क्या गंदी होगी, और मैं ही करने वाली हूँ तो कुछ भी गंदी नहीं होती है और बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते, फटाफट से धुल जाते हैं। और मेरा मंगलसूत्र का ना एक सेकेंड दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं ये लास्ट संडे लेकर आई थी, 2 मंगलसूत्र लाई थी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, मतलब व्लॉगिंग ही नहीं कर रही थी तो इस वजह से। तो ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का है, बताना आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगता है सिंपल सा छोटू सा, मुझे ऐसे ही मतलब पेंडेंट थोड़े छोटे मंगलसूत्र ही अच्छे लगते हैं, और कुछ वैसा ट्रेडिशनल टाइप पहनो तो थोड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ऐसा कुछ है, ये उल्टा दिख रहा है, हाँ तो ये ऐसा कुछ है। तो इसकी एक ये निकल गई थी यहाँ से, तो वो मैं लगा रही थी, दोपहर में निकल गई थी। तो एक और मंगलसूत्र लाई हूँ, लाई थी मतलब, तो वो जल्दी दिखाऊंगी, अभी दिखा दूंगी, वो अंदर रखा हुआ है क्योंकि एक टाइम में एक ही पहनते हैं ना। सो और उस दिन मेरे हस्बैंड जी के कपड़े भी लेकर आई थी मैं ऑफिस के फॉर्मल, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी। सो चलो अभी चलती हूँ मैं, कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इस गेटअप पर तो मैं जा नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ मेरा मतलब कह सकते हो बहुत से जानने वाले हैं ससुराल की साइड से, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ फटाफट से, सूट वूट पहन लूँ लगूँ कि हाँ चलो मतलब किसी की बहू हूँ। सो चलो यार, बाल मैंने ऐसे ही टाई अप कर लिए हैं अपने, हमेशा ही बन बना कर रखती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। चलो जी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और वो तो पहले ही बन गई थी, तो मैं कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं यहाँ क्या करने आई थी, फ़ैन वगैरह बंद करने के लिए आई थी। फ़ैन बंद कर देते हैं तो अच्छा रहता है, बाहर जाते हैं तो। और ये वाला फ़ैन भी चल रहा है, पर्स ले लेती हूँ, फ़ोन ले लेती हूँ, ये हो गया मेरा इतना काम। तो चलो चलती हूँ थोड़ा सा मार्केट में घुमाऊँ, अभी मैं जाऊँगी चाची के घर पर, चाची के घर पर इसलिए क्योंकि चाची को बेटी को लेके जाना है, तो बाहर से तो बुला नहीं सकते, एटलीस्ट 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी है बैठना पड़ेगा, और अभी मेरे पास टाइम भी है तो मैं बैठ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं बैठ सकती हूँ। तो चप्पल पहन लेती हूँ मैं पहले, और इधर अंधेरा है क्योंकि मैं बालकनी साइड आ चुकी हूँ चप्पल पहनने के लिए। सो अरे तो चलिए चलते हैं, अरे फ़ैन बंद मैंने फिर नहीं किया इस हॉल का, एक सेकेंड हाँ फ़ैन बंद कर दूँ मैं, लाइट भी बंद कर देती हूँ, बाहर वाली जला दूंगी, एक सेकेंड पहले मैं जला दूँ ना, हाँ अब ठीक है। चलिए और तो कुछ लेना नहीं है, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से डायरेक्ट शायद मार्केट में या मार्केट से आने के बाद। टिल देन बाय, लॉक लगा दूँ यार, बड़ा भारी काम लगता है मुझे ये लॉक लगाना। चाची के घर जाने के बाद यहाँ आ गई मैं मार्केट में, तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी थी घर जाने की,
काफ़ी लेट हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया वहाँ पर। हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं बाजार से और बहुत गर्मी है सच में बाहर। जस्ट आके बस पानी ही पिया है और सांस ऐसे फूल रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, मतलब चाची के घर पे गई थी तो वहीं पे हम गप्पे मारने लग गए। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला। बस हम आधे पौने घंटे में हम जाकर सब्ज़ी लेकर वापस भी आ गए और अभी बज रहे हैं 9। मैं तब से वहीं पर थी और बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो बस वही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये देखिए करेले, बैंगन, ये ऑप्शनल है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बैंगन पसंद नहीं है और मुझे करेले, तो उस दिन मैं दोनों सब्ज़ियाँ बनाऊँगी दोनों की पसंद की। और टमाटर लेके आई हूँ, आधा किलो ही लाई हूँ। उस दिन मैं 1 किलो लाई थी थर्सडे को, तो उसमें से भी बचे हुए हैं और फिर थर्सडे को मैं दोबारा चले जाऊँगी तो फिर ख़राब हो जाते हैं इसलिए। और टिंडे और कुछ नहीं है, और मट्ठी लेकर आई हूँ मैं थोड़ी सी। और हाँ, 2 ट्रे लेकर आई हूँ मैं, ट्रे प्लेट छोटी मीडियम साइज़ की, इस तरीके की हैं ये। और काफ़ी अच्छी लगी मुझे, सिर्फ 10 रुपी ईच है, 10 रुपये की एक है तो क्या बुराई है, टूट भी जाएगी तो ठीक है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली थोड़ी कम अच्छी है, मतलब ठीक है, बट ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो 2 ट्रे लेकर आई हूँ, ट्रे प्लेट जो भी बोलेंगे आप। और कुछ नहीं, एक लिपस्टिक लेकर आई हूँ, जाएँ और कुछ अपने लिए ना लें। वैसे ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है कि अपने लिए लेकर ही आना है, तो दिखाती हूँ मैं शेड इसका, मैरून रेड बोल सकते हो। ये देखिए कुछ ऐसी है, मुझे का मतलब अच्छी सी लगी थोड़ी सी, क्योंकि मैरून और रेड हमारे फेवरेट होते हैं। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं आई, सिंपल सा जो भी सब्ज़ी होती है सिंपल सी वही लेकर आई हूँ। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं है, बस उनका वेट कर रही हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, थोड़ी देर वेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो बाय बाय अभी के लिए। तो गाइज़ थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने 9:30 बजे के करीब मैंने अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सिर्फ मुझे 4 ही रोटियां बनानी थी, 2 मेरे हस्बैंड की और 2 मेरी, तो फटाफट से बना ली। और यहां पे हम कर रहे हैं डिनर, तो सिंपल सा वही डिनर था, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। आज कुछ स्पेशल नहीं बनाया, कभी कभी मन नहीं होता और अकेले में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस अब इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, सो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आ रहे हैं अब के व्लॉग्स, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।